इसमें है एक टी कप होल्डर और यहाँ पे है मोबाइल या फिर टैबलेट होल्डर। टैबलेट मोबाइल को आप इस पे रख के आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास या फिर कप पे आप टी भी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोडक्ट को पहले हम सीधा करके घुमाते हैं। इसका स्टैंड जिसको आप ऐसे करोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, वैसे ही इस साइड में भी ये स्ट्रेट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला है कि यहाँ पे एक ग्रीप है, एक फोम का ग्रीप दिए है यहाँ पे। ये ग्रीप आपका लैपटॉप या फिर कोई भी पोर्टेबल डिवाइस को उसका जो ग्रिपिंग है उसको स्टक रखेगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो करते इसको सीधा और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों इसका शेप कुछ ऐसा आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसका शेप कुछ दोस्तों ऐसा आ रहा है। हे व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, आई होप के सब ठीक हो। वैसे आप सभी को ठीक ही रहना चाहोगे, मैं जो दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए। तो वेलकम बैक टू पीपल अगेन, मेरे यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से एक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कुछ डिफरेंट टाइप का एक चिप्स का अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों वो है फोल्डेबल लैपटॉप टेबल। यस, फोल्डेबल लैपटॉप टेबल या फिर यू कैन से कि बच्चों के लिए स्टडी टेबल। तो ये मतलब टू इन वन चीज़ है। आप बच्चों के लिए इसको स्टडी टेबल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, और आपका लैपटॉप लेके अगर वर्क फ्रॉम होम है तो उसमें भी आप आराम से कोई भी मतलब कोई भी सरफेस में आप उसको रख के उसको फ्लैट सरफेस बना के आराम से काम कर सकते हो। साइड में अपना माउस रख के भी आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने परचेस किया था लोकल मार्केट से, अपना एक दोस्त के दुकान से, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल था लेकिन थोड़ा बहुत महंगा है और ऑनलाइन पे मेरे को लेने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता, इसीलिए मैंने मेरे को एक्चुअली काम का मतलब बहुत जल्दी था तो इसीलिए मैंने इसको परचेस किया। तो प्लीज़ सी द वीडियो टिल एंड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एच क्रिएशन। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को और एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी आपके सामने हम अनबॉक्सिंग, हाँ अनबॉक्सिंग ही आप बोल सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट वॉलीपेपर से पूरा रैप किया हुआ है कंपनी की तरफ से जो होता है। एक बहुत यूज़फुल सा प्रोडक्ट मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो आप लोगों का भी काम आएगा, और कोई भी इसको परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन में इसका प्राइस थोड़ा हाई है लेकिन मैंने इसको लोकल मार्केट से परचेस किया। तो इसका ऊपर वाला जो ग्राफिक्स है वो मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि वो बच्चों वाला है, लेकिन यार मेरे को अपना काम निपटाना है और अपना काम बस अपने मतलब से निकलवाना है, तो इसीलिए ये बहुत काम की चीज़ है। और जो साइज़ मैंने ढूंढ रहा था तो ये मतलब एकदम मेरे को बराबर मिल गया। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए करते हैं इस प्रोडक्ट को ये पॉली पेपर से अनबॉक्स। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है एक फोल्डेबल लैपटॉप टेबल जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो अपना लैपटॉप को बिठाने के लिए, अपना लैपटॉप को बेड में रख के काम करने के लिए। तो ये है वो प्रोडक्ट। तो मैं पॉली पेपर को साइड करता हूँ और ये है इसका पीछे वाला हिस्सा। तो दोस्तों पीछे वाला हिस्सा आप देख सकते हो, यहाँ पे दो स्टैंड्स हैं जो स्ट्रेट करके आप इसको रख के अपना काम निपटा सकते हो बहुत आराम से। तो दोस्तों इसमें है एक टी कप होल्डर और यहाँ पे है मोबाइल या फिर टैबलेट होल्डर। टैबलेट मोबाइल को आप इस पे रख के आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास या फिर कप पे आप टी भी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस प्रोडक्ट को पहले हम सीधा करके घुमाते हैं। पहले ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मेरे को एक बच्चों वाला ग्राफिक्स इसमें मिला है। मैंने काफ़ी कोशिश किया लोकल मार्केट से ढूंढने के लिए कि मेरे को कुछ अच्छा खासा ग्राफिक्स या फिर वुड वाला मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। वैसे ये आप बच्चे लोगों के लिए भी आप खरीद सकते हो एज स्टडी टेबल, बट स्टडी टेबल मैंने जो देखा वो बस इतना इतना सा होता है, तो इट्स नॉट बेसिकली स्टडी टेबल। स्टडी टेबल इतना तक हो सकता है और इतना तक ही मिलता है, उसका कीमत थोड़ा कम है, लेकिन ये एक आइडियल मतलब लैपटॉप टेबल है जिस पे आप अपना लैपटॉप रख के आराम से काम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसका जो रैपर आप लोगों के सामने ही काटते हैं। और पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया मेरे एक दोस्त के दुकान से। तो मेरे को इसका प्राइस पड़ा 450।
₹450 इसका कीमत मेरे को पड़ा मार्केट से खरीदने के लिए। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे मैं अपना लैपटॉप इस पर यूज़ करूँगा। तो आप लोगों के सामने ही इस रैपर को तोड़ते हैं। बस तो रैपर इसका उठ गया। चलिए रैपर को हम इस साइड पर रखते हैं और देखते हैं ये टेबल को हम कैसे यूज करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही इसका स्टैंड जिसको आप ऐसे करोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, वैसे ही इस साइड में भी ये स्ट्रेट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला है कि यहाँ पे एक ग्रीप है, एक फोम का ग्रीप दिए है यहाँ पे। ये ग्रीप आपका लैपटॉप या फिर कोई भी पोर्टेबल डिवाइस को उसका जो ग्रिपिंग है उसको स्टक रखेगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो करते इसको सीधा और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों इसका शेप कुछ ऐसा आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसका शेप कुछ दोस्तों ऐसा आ रहा है, यू पीपल कैन सी हेयर। अगर ऊपर से आपको दिखाए तो दोस्तों इसका शेप कुछ ऐसा आ रहा है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप अपना टैबलेट रख सकते हो, यहाँ पे कप रख सकते हो। तो अब इसको मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों दिस वन इज़ माय टैब, यू पीपल कैन सी, विंडोज टैब एसर का। बैक पोर्शन एक बार दिखा देता हूँ। सो ये काफ़ी साल से मेरे पास है, मैं अपना पर्सनल बहुत सारा काम इसमें मैं करता हूँ। तो यू पीपल कैन सी, मैं टैब का अगर यहाँ पर रखता हूँ तो टैब यहाँ पर आराम से होल्ड हो जाता है। देखिए ये टैब है, इसको यहाँ पे बिठा देता हूँ, आराम से बैठ रहा है। रही बात अगर ये तो लैंडस्केप में मैंने बिठाया, अगर मैंने पोर्ट्रेट में बिठाता हूँ तब भी देखिए डिवाइस बैठ रहा है बहुत आराम से। इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, इसको हम आराम से यूज़ करते हैं। इसमें अगर ये डिवाइस को आप फिर से ऐसे कर दीजिए, इसमें अगर आप एक ब्लूटूथ कीबोर्ड अगर रखेंगे तो आराम से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाया टैबलेट कैसे इसमें चलता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टैबलेट के बाद। देखिए दोस्तों, जब छोटे से हमने स्टार्ट किया तो छोटे से एकदम बड़े तक हम आएंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं मिनी लैपटॉप कैसे इसमें चलता है। तो दोस्तों दिस वन इज माई मिनी लैपटॉप कम टैब। तो इसको भी हम ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों यू पीपल कैन सी, यहाँ पे मेरा मिनी लैपटॉप भी बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। और अगर दोस्तों इसको हम थोड़ा पीछे साइड में अगर ट्रांसफ़र कर दे, यू पीपल कैन सी, ये देखिए इसको मैं और भी थोड़ा पीछे कर दिया तो यहाँ पे इतना स्पेसेस बच जाता है जहाँ पे आप आराम से एक माउस भी रख सकते हो, माउस से काम भी कर सकते हो। इस साइड में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप रख सकते हो। माउस मैं आपको और एक बार दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक माउस को अटैच किया अपने डिवाइस के साथ और यहाँ पे यू पीपल कैन सी मेरा माउस आराम से काम कर रहा है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे माउस यूज करना बहुत इजी एंड फ्लेक्सिबल है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। डिवाइस को थोड़ा इस साइड में रखोगे तो और भी आपको स्पेस मिलेगा। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं, बारी है बड़ा लैपटॉप का जिससे मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ। बेसिकली दिस वन इज़ आइडियल फॉर माय एडिटिंग एक्टिविटीज़ एंड डेटा ट्रांसफरिंग एंड यूट्यूब सर्फिंग, यूट्यूब एक्सप्लोरिंग एंड ऑल। तो ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है दो, तो आप अगर चाहो तो वो मेरा प्रीवियस व्लॉग से ढूंढ के देख सकते हो। तो कम टू द प्रेजेंट पॉइंट, तो अभी मैं आपको बड़ा लैपटॉप से इसके ऊपर रख के काम करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये आइडियल है या नहीं। फिलहाल तो टैब या फिर छोटा लैपटॉप या फिर लैपटॉप कम टैब के लिए तो दिस वन इज़ आइडियल, एज वेल एज दिस वन इज़ ऑल्सो आइडियल फॉर स्टडी टेबल फॉर चिल्ड्रेन। ओके, बट स्टडी टेबल मैंने देखा, वैसे मेरे
पहचान में कुछ बच्चा लोग भी है जिन लोगों को मैंने स्टडी टेबल गिफ्ट किया था उन लोगों का बर्थडे पे, तो वो इतना बड़ा नहीं होता है, वो इससे आधा होता है। बट इसमें ग्राफिक जो दे रखा है तो ये स्टडी टेबल के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इट्स आइडियल फॉर लैपटॉप टेबल विच यू कैन यूज़ अबव योर बेड। तो चलिए बड़ा लैपटॉप इसमें के अंदर बिठा के काम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यू पीपल कैन सी दिस वन इज़ माई लार्ज लैपटॉप। तो ये मेरा बड़ा लैपटॉप है जिससे मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ। तो ये भी इसमें आराम से फिक्स हो गया है। आपको मैं इसका फिक्स इन जो पोजीशन दिखा रहा हूँ, देखिए आराम से यहाँ पे माउस घुरा में, मतलब यहाँ पे माउस को आराम से स्क्रॉल करने के लिए, इसको घुमाने के लिए बहुत सारा स्पेसेस है। बल्कि यहाँ पे आप चाय का कप रख के भी चाय पीते पीते माउस घुमाते घुमाते इसमें काम कर सकते हो। तो पीपल कैन सी दिस वन इज माई लार्ज लैपटॉप। इसमें मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ दोस्तों। सो ये भी यहाँ पे आराम से बैठ गया है। ये दोस्तों ये कोई 14 इंच वाला लैपटॉप नहीं है, ये काफ़ी बड़ा लैपटॉप है और ये बहुत हाईली कॉन्फ़िगर्ड लैपटॉप है। कोर i7, 8GB ऑफ रैम, 1TB ऑफ हार्ड डिस्क, 4GB ऑफ ग्राफिक्स, NVIDIA GTX वाला, वो भी मैंने लिया था 6 साल पहले। तो आप कुल मिला के सोच लो इसका कीमत कितना है। तब मैं YouTube पे वैसे अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं करता था, अगर करता था तो आज इसका अनबॉक्सिंग भी आपको देखने के लिए मिलता। तो इसका उम्र कम से कम 6 साल हो गया। ये बहुत हाईली कॉन्फ़िगर्ड लैपटॉप है। यहाँ पे बायोमेट्रिक टच भी है जो मेरा उंगली के साथ इसका लॉक सेट किया हुआ है। तो कम टू द प्रेजेंट पॉइंट, तो दोस्तों जो आप लोगों का दिखाने का मेरा इरादा था तो वो ये है कि देखिए टैबलेट, छोटा लैपटॉप, टैब कम लैपटॉप के साथ बड़ा लैपटॉप भी इसमें फिक्स हो गया है और आप अपना माउस भी यहाँ पे आराम से घुमा सकते हो और इसको यूज़ भी कर सकते हो, इस पर टाइप वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो, हिलता भी नहीं है ये, ठीक है ना। तो यही था मेरा मकसद आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये जो टेबल मैंने ख़रीदा, फिर से बता रहा हूँ, स्टडी कम लैपटॉप टेबल फोल्डेबल। तो ये मेरे को, ये जो ग्राफिक है ये मजबूरी से मेरे को लेना पड़ा क्योंकि मार्केट में और कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक ही दुकान में मेरे को मिला, मेरे दोस्त के दुकान में, लेकिन उसके पास कोई और कलर नहीं है। मैंने वैसे कुछ बाकी दुकान में भी मैंने ढूंढा था लेकिन मेरे को नहीं मिला। सारा का सारा मेरे को दे रहा है इसका आधा वाला जो एग्जैक्ट स्टडी टेबल होता है चिल्ड्रेन के लिए। तो मैंने मजबूरी से ले लिया इसका। ये ग्राफिक्स से मेरे को कुछ वैसे लेना देना नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे को अपना काम निपटाना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर ये चीज़ आप खरीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अमेजोन का भी दूंगा, फ्लिपकार्ट का भी दूंगा। तो आप देख लेना कि ऐसा मटेरियल कितने का आ रहा है ऑनलाइन में। वैसे मेरे हिसाब से 550 से मतलब नीचे तो नहीं आएगा क्योंकि प्राइस के ऊपर उसका डिलीवरी और शिपिंग चार्जेस भी होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक एक्सप्रेशन। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी दूसरे ब्लॉग में आप लोगों के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय। तो दोस्तों देखिए मैं इसको बेड के ऊपर ये स्टैंड मतलब नहीं लगा के इसको फ्लैट तरीके से भी मैं इसको बिठा के काम कर सकता हूँ। जैसे ये है लैपटॉप और ये है मेरा माउस, आराम से इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। पीपल कैन सी हेयर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक मेजरमेंट दिखा देता हूँ कि मैं काम करता हूँ ये चेयर पे बैठ के। तो ये चेयर से बिस्तर पे मैं अपना लैपटॉप रखता था तो उसका हाइट थोड़ा नीचे हो जाता था और माउस का भी उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता था। तो अभी दोस्तों ये चीज़ ख़रीदने से मेरे को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है माउस का, तो माउस का फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है और इसका एक हार्डनेस भी मिल रहा है और लैपटॉप एक फिक्स जगह में है, हिलने का कोई चांस भी नहीं है और माउस भी बहुत आराम से चल रहा है। तो दोस्तों यही बस आप लोगों को दिखाना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लेकेज क्रिएशन। हाँ दोस्तों आसपास को जो आवाज है इसको प्लीज इग्नोर करना क्योंकि दरवाजा खुला रख के मतलब लाइट जो सरफेस है उसको अच्छे से बना के फिर मेरे को शूट करना पड़ता और पीछे में पेड़ है तो पेड़ पे बैठ के वैसे पंछी का आवाज है। वैसे ये उतना भी बुरा नहीं है। तो खैर ये जो प्रोडक्ट है इसका मैंने जो
बाइंग लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप चेक कर लेना अपने हिसाब से कहाँ से आपको लेना है। उसका फ्लिपकार्ट का लिंक भी मैं डाल दूंगा और अमेजन का लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो प्लीज़ सी द वीडियो टिल एंड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन। बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी दूसरे ब्लॉग लेके, एक एक्साइटिंग सा ब्लॉग, एंड तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ एक एजुकेशन, बाय बाय।